नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे लैंड रोवर डिफेंडर के बारे में। और अभी मैं हूँ मालवा ऑटोमोटिव्स के शोरूम में। और अगर आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं कोई भी JLR की कार, तो जो शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सभी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट लेके यहाँ पर कॉल करना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम है विनय कंबोज। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया हैंडल, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, और अब हमारी वेबसाइट carquestindia.com भी लाइव है। तो वहाँ पर जाके आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ब्लॉग्स को रीड आउट कर सकते हैं। सो ये जो गाड़ी है लैंड रोवर डिफेंडर, एक काफ़ी अमेजिंग SUV है। तो सबसे पहले डिफेंडर के बॉडी टाइप से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको डिफेंडर 90, डिफेंडर 110 और डिफेंडर 130 आपको मिलती है। ये जो गाड़ी है अभी डिफेंडर 110 है, और 110 के अंदर भी आपको अलग अलग मॉडल्स मिलते हैं, SC, HSC और HSC डायनमिक। ये जो मॉडल है डिफेंडर 110 HSC, ये मॉडल है। तो आज डिटेल में हम इसी को कवर करने वाले हैं। सामने से जब गाड़ी को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड इसकी लुक्स रखी गई हैं। 1996 mm इसकी विड्थ है। कलर ऑप्शन भी मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो कलर ऑप्शन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो कलर अभी फूजी वाइट कलर है, इसके अलावा आपको और काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि एक CBU के अंडर आप काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। जो जो इस गाड़ी के अंदर कस्टमाइजेशन है वो ट्राई करूँगा मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊँ, ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या यहाँ पे आप कस्टमाइज करा सकते हैं। सो सबसे पहले इसका फ्रंट आप देख लीजिए। यहाँ पे जब फ्रंट में देखते हैं तो यहाँ पे एक सिल्वर फिनिश दी गई है, और लैंड रोवर का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ ये सिल्वर फिनिश के साथ डिफेंडर की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। अगेन ये जो पार्ट है देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। अब एक बार हेडलैम्प यूनिट आप देख लीजिए। यहाँ पे इसको कंप्लीट जो है इसको तो सर्कुलर यहाँ पे रखा गया है, लेकिन अंदर की तरफ जो हेडलैम्प्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे ये राउंड फॉर्म में इनको दिया गया है। ये रेक्टेंगुलर आपको मिल रहा है, ये राउंड फॉर्म में है। LEDs का यहाँ पे यूज़ किया गया है, और यहाँ पे भी आपको मैट्रिक्स और काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे लाइट्स के अंदर मिल जाते हैं। ऑटो बीम असिस्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है, और ये कंप्लीट LED सेटअप आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, और जो फॉग लैंप्स हैं ये भी आपको यहाँ पे LEDs देखने को मिलेंगे। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे ये जैसे ये स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस दिया गया है जो बेसिकली एयर सर्कुलेशन के लिए है। तो यहाँ से एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से होने वाला है। और ये जो डिज़ाइन है, ये ग्रिल भी जो आप देख रहे हैं, और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं गाड़ी की, लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये बना रहा है। और टोटल आपको 6 पार्किंग सेंसर सामने की तरफ मिलेंगे, और 6 पार्किंग सेंसर्स आपको रिवर्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा जो 360 डिग्री कैमरा का एक पार्ट है, सभी 4 डोर्स पे, और एक रियर में और एक सामने की तरफ। तो टोटल 4 कैमरे आपको यहाँ पे मिलेंगे, और एक कैमरा रियर में आपको और मिलेगा, तो टोटल 5 कैमराज आपको मिलेंगे। ये जो फ्रंट पार्ट है, ये जो चिन गार्ड है, इसका सिल्वर फिनिश के साथ दिया गया है, जिसकी वजह से जो लुक्स हैं गाड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहे हैं। और जब इंजन हुड आप देखते हैं तो इंजन हुड काफ़ी इसको बड़ा यहाँ पे रखा गया है। और उसके बाद ये जो पार्ट आप यहाँ पे देखते हैं तो ये मैट फिनिश आपको यहाँ पे दी गई है। तो कुछ इसके ऊपर आप रखना चाहें, या इवन आप कहीं घूमने जा रहे हैं क्योंकि एक ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी है, तो आप यहाँ खड़ा होना भी चाहें तो वो भी आप यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस तरह से इस कार को डिज़ाइन किया गया है। रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो ये थे फ्रंट लुक्स। आप चलते हैं कार के साइड में। सो जैसे आप सभी जानते हैं कि जो लैंड रोवर डिफेंडर एक फुल साइज़ SUV है, और इसकी लेंथ भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 4758 mm इस गाड़ी की लेंथ रखी गई है। और टायर साइज़ की हम यहाँ से बात कर लेते हैं, तो जब टायर साइज़ आप देखते हैं, अभी ये जो अलॉय आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 5-spoke 20 inches का अलॉय व्हील है, और यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं। तो लगभग 10-12 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, उनके अकॉर्डिंग कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो टायर प्रोफाइल आपको यहाँ मिल रहा है 255/60 टायर प्रोफाइल मिल रहा है, और टेरन आपको ये टायर्स यहाँ पे दिए गए हैं। सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी, और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो सस्पेंशन आपको मिल रहा है, एयरमेटिक सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। तो अगर आप इसको भी कस्टमाइज़ कराना चाह रहे हैं, आप कोयल स्प्रिंग लगवाना चाह रहे हैं या एयर सस्पेंशन लेना चाह रहे हैं, तो ये भी आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद इस फ्रंट फेंडर पर जब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है, डिफेंडर की ब्रांडिंग ग्लोसी फिनिश के साथ है। हालांकि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन जो दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा वो ऑपरेशनल है, वो इनटेक के लिए बेसिकली ये रहता है। और
जब ओ आर वी एम्स आप देखते हैं तो इनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रखा गया है, ग्लोसी फिनिश के साथ ये दिए गए हैं, और एल ई डी ब्लिंकर्स जो हैं आपको वो यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाएंगे। इनके ऊपर आपको यहाँ पे एक कैमरा भी देखने को मिलता है, नीचे की तरफ आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे डिफेंडर अभी लिखा हुआ है, रात के टाइम और ज़्यादा ये विजिबल होगा, यहाँ पे लोगो प्रोजेक्शन आप इसको बोल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे सेंसर्स मिल जाते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर वेट सेंसिंग का फीचर भी आपको मिलता है, वो जब अंदर स्क्रीन आपको दिखाऊंगा थोड़ा वहाँ पे एक्सप्लेन उसको करूँगा। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल हीटेड ओ आर वी एम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जब डोर हैंडल्स आप देखते हैं तो बॉडी कलर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं, और साथ ही सभी फोर डोर हैंडल्स पे आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगेन ये जो लुक्स हैं इसकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती हैं। ये भी ग्लोसी फिनिश में अभी स्टिकर लगा हुआ है, वरना ये भी ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है। और ये जो डिज़ाइन है इसका, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे लैंड रोवर का लोगो दिया गया है। अगेन हाइट भी आप देख सकते हैं कि हाइट भी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो ये देख रहे हैं, यहाँ पे रूफ रेल्स भी लगी हुई हैं, और रूफ रेल्स जो हैं ये भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। अगर आप रूफ रेल्स नहीं लेना चाहते तो रूफ रेल्स भी हटवा सकते हैं, सनरूफ नहीं लेना चाहते तो सनरूफ को भी हटवा सकते हैं। वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको ऊपर की तरफ फैब्रिक फोल्डिंग रूफ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वो भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो, जो साइड प्रोफाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और यहाँ पे काफ़ी तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कराना चाहें तो करा सकते हैं। सो, आप चलते हैं कार के रियर में। सो, जब कार को रियर से आप देखते हैं तो किसी भी एंगल से आप गाड़ी को देख लो, जो लुक्स हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इस गाड़ी के लगते हैं। बिल्कुल टॉप से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जब टॉप पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना, और इसी के अंदर यहाँ पे कैमरा भी आपको मिलेगा, क्लियर व्यू कैमरा इसको बोलते हैं। तो ये कहाँ पे आपको दिखाई देगा इसका डिस्प्ले, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे रियर में आपको वाइपर वॉशर डिफोगर ये सब मिल जाता है। रियर में आपको ये स्पेयर व्हील यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर इसका कवर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये विदाउट कवर ये अभी जो लगा हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेस यहाँ पे दे रहा है, और काफ़ी अच्छा ये लग रहा है। टायर प्रोफाइल इसका बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे रखा गया है। और भाई जब इस पार्ट को आप देखते हैं, ऊपर से भी ये ब्लैक फिनिश में है, और जो टेल लाइट्स है ये भी ब्लैक फिनिश में है, और जब ये लाइट जगती हैं तब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इंडिकेटर्स आपने देखा यहाँ पे, और ये जो है स्क्वायर के जो फॉर्म्स यहाँ पे बन रही है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बैक लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इधर की तरफ लैंड रोवर का आपको लोगो देखने को मिलेगा। और जब इसका बंपर आप देखते हैं तो बंपर में भी आपको टोटल 6 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिलेंगे। ये आपको रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं, और लोअर पार्ट जो है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ है, और ये जो पार्ट है इसको यहाँ पे सिल्वर फिनिश दिया गया है। यहाँ पे आपको रियर कैमरा मिल जाएगा, और कैमरा के साथ में ही आपको यहाँ पे वॉशर भी मिलता है। सो इन केस अगर आपका ये जो कैमरा है ये गंदा हो जाता है, आप ऑफ रोडिंग के लिए गए हैं, तो इस वॉशर से ये भी क्लीन यहाँ पे हो जाएगा। साथ में आपको रियर में एक टोइंग का हुक भी मिलता है, एक टोइंग का कस्टमाइजेशन का पैक मिलता है। अगर वो आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो भी अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा। सो, अब इसका एक बार चेक कर लेते हैं बूट। तो यहाँ पे डिफेंडर की ब्रांडिंग भी दी गई है, और यहाँ से आप बूट को एक्सेस कर पाएंगे। और भाई जो बिल्ड है वो यहीं से पता लगती है जब आप इसको ओपन करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड ये है। एक बार इसी की बात कर लेते हैं, यहाँ अंदर भी आपको डिफेंडर की ब्रांडिंग दी गई है, और उसके बाद आप इसको ओपन करके आपको ये सेफ्टी ट्रायंगल यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको भी आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ सामान रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद जब आप स्पेस देखेंगे अंदर की तरफ बूट का, तो बूट स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। और ये सब जो पार्ट आपको मिल रहा है ये वॉशेबल है, तो इसको अगर ये गंदा हो जाता है आप वॉश करना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ पे इसको वॉश कर पाएंगे। मैं इस तरफ आ जाता हूँ ताकि मैं कुछ एक फ़ीचर आपको दिखा सकूँ। जब इस तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है, ये बेसिकली एयरमेटिक सस्पेंशन है, तो रियर से आप गाड़ी को अप डाउन यहाँ से कर पाएंगे। सो अगर लगेज आप रखना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कम्फर्ट होगा, आप लो इसको कर लीजिए, और उसके बाद लगेज आप यहाँ पे रख पाएंगे। बूट लैंप्स आपको मिल जाएंगे, हुक्स दोनों तरफ देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो एक आपको ये मिल जाएगा 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। तो चार्जिंग सॉकेट आपको काफ़ी जगह यहाँ पे मिलेंगे, नेट भी आपको दिया गया है। सीट को फोल्ड करना चाहें फोल्ड आप कर सकते हैं, और ये भी आपको साइड में काफ़ी स्पेस दिया गया है, तो इनको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं यहाँ पे रूफ़ पे, तो दोनों तरफ आपको इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे मिलेगा। ये बेसिकली जो लाइट के लिए है, जब आप अंदर की तरफ बैठेंगे तो ज़्यादा लाइट ये देगा। अगर आप एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे हैं तो इनका मज़ा वहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर्स भी आपको मिल जाएंगे। रूफ़ भी जब आप देख रहे हैं तो रूफ़ पे भी यहाँ पे आपको ये ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा, तो अंदर से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इंटीरियर्स का मैं थोड़ा आपको आगे की तरफ बताता हूँ कि इंटीरियर्स में क्या क्या आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं। सो ये था इसका रियर और बूट स्पेस डिफेंडर का। अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पर और चेक करते हैं रियर सीटिंग कम्फर्ट। सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स हैं आपको
यहाँ पे ये इस टैन कलर के साथ में मिलेंगी, तो ड्यूल टोन का इंटीरियर आपको मिल रहा है, ये ब्लैक और ये टैन इंटीरियर, ये सॉफ्ट टच है जहाँ जहाँ आपको टैन दिखाई दे रहा है, रेस्ट ये सारा आपको रफ मटेरियल मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये आपको जो बोल्ट्स वगैरह भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये रगेड फील यहाँ पे ऐड करते हैं और देखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे ट्विटर स्पीकर और यहाँ पे बोतल होल्डर आपको मिल जाएगा। एक बार सीट्स आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ग्रेन लेदर यहाँ पे ये सीट्स मिलती हैं और ये टैन कलर है जैसे मैंने आपको बताया, तो इंटीरियर में भी काफ़ी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहें जो भी वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, सो यहाँ पे जो सीट्स मिलती हैं वो फ्लिप एंड फोल्ड सीट्स मिलती हैं, तो इस सीट को आप इस तरह से करके, अभी इसका हेडरेस्ट मैंने निकाला है ताकि मैं आपको फोल्ड करके दिखा सकूं, तो इस तरह से ये कंप्लीट बेड यहाँ पे बन जाएगा, उसको भी आप फोल्ड कर देंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट बेड यहाँ पे बनता है। तो अगर आप कहीं एडवेंचरस ट्रिप पे गए हैं और जहाँ पे स्टे वगैरह के लिए ऐसा सच आपको कुछ होटल्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को ही अपना होटल बना सकते हो और इसके अंदर आप आराम से स्टे भी कर सकते हैं। अब एक बार अंदर का स्पेस देख लेते हैं, तो एंट्री के लिए आपको यहाँ पे ये हैंडल्स दिए गए हैं, इनका यूज़ करके आप अंदर एंटर कर सकते हैं आराम से। सिटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सिटिंग काफ़ी कंफर्टेबल आपको यहाँ पे मिलेगी, रिक्लाइन एंगल प्रॉपर है, आपको थाई स्पोर्ट प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकती, ये एक ही जगह इसको फिक्स रखा गया है। टोटल आपको यहाँ पे तीन हेडरेस्ट मिल जाएंगे, तो तीन बंदे काफ़ी आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ी की विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे रखी गई है। सेंटर में एक आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद टू कप होल्डर्स, और इसकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। रियर में जब आप इसका फ्लोर आप देखते हैं, इसको यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट रखा गया है, और एक अच्छी बात यह है कि जब यहाँ पे आप जैसे अभी मैंने पैर रखे हैं, तो सामने की तरफ से इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो काफ़ी कंफर्टेबली मैं यहाँ पे अभी बैठ पा रहा हूँ, उस तरफ आप जैसे देख पा रहे हैं। अब इस सेंट्रल कंसोल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ रखना चाहें मोबाइल वगैरह वो आप रख पाएंगे। दो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाएंगे। अभी इस गाड़ी के अंदर आपको टू जोन एसी मिल रहा है, लेकिन फोर जोन एसी का ऑप्शन भी रहते हैं यहाँ पे। और सीट की बैक में आपको ये नेट दिया गया है, तो इसको भी आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे एलईडी लाइट्स आपको ये देखने को मिल जाएगी, ग्रैब हैंडल्स कॉट हुक के साथ में। तो ओवरऑल जो रियर है, रियर जो सिटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे यहाँ पे लगी। आप ये बोल सकते हैं कि एक SUV कार आपको मिल रही है ऑफ रोडिंग के लिए, और साथ ही इंटीरियर्स और ये जो है सब आपको लग्जरी वहाँ पे मिल रहा है। आप ड्राइवर सीट पे चलने से पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ। सो इस तरह की आपको यहाँ पे मिलती है, लैंड रोवर लोगो आपको इधर की तरफ देखने को मिलेगा, और इस तरफ जब आप देखते हैं तो लॉक अनलॉक लाइट्स के लिए हजार्ड लाइट और बूट अनलॉक के लिए कंट्रोल आपको मिलेंगे। सो जैसे ही गाड़ी को आप अनलॉक करते हैं, जो आपको दो स्टेप्स हैं, फुट स्टेप्स हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे, डिप्लोएबल फुट स्टेप्स मिलेंगे, लॉक के साथ ये अनफोल्ड हो जाते हैं और फोल्ड हो जाते हैं, और सामने स्क्रीन पे भी आपको इनका कंट्रोल मिलता है, तो वहाँ से भी आप इनको फोल्ड अनफोल्ड कर पाएंगे। सो जैसे ही ड्राइवर डोर आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सेम ड्यूल टोन इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, ये कंप्लीट आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है, रेस्ट ये जो है ये रफ मटेरियल का यूज़ किया गया है, लेकिन अगेन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे आपको ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स सभी वन टच डाउन और अप रहने वाली है। मेमोरी फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये चाइल्ड लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पे बटन दे दिया गया है, इधर की तरफ आपको लॉक अनलॉक और यहाँ पे मेरिडियन साउंड लिखा हुआ है, क्योंकि मेरिडियन के स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी डिफेंडर की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स जब आप देखते हैं, तो 14-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ये सीट्स आपको यहाँ पे मिल रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अंदर जाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो इसका जैसे ही आप यूज़ करते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ उधर की तरफ, आप पहले ये स्पेस देख लीजिए, बाद में आपको नहीं दिख पाएगा ये, आपको यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है सेंट्रल कंसोल में, तो काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस स्पेस को। अब एक बार अंदर चलते हैं, तो इसको ग्रैब करके आप आराम से अंदर की तरफ एंटर कर सकते हैं। अंदर की तरफ एंटर करते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको नीचे की तरफ पहले दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे फुटरेस्ट यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है, और इवन इसका जो ब्रेक का साइज़ है ये भी काफ़ी वाइड रखा गया है, तो अगर आपका पैर का साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है, तब भी आप कंफर्टेबली इसको यूज़ कर पाएंगे। इधर की तरफ जब आप देखते हैं, तो पार्किंग ब्रेक आपको मिलेगी, साथ ही अंदर का यहाँ से लाइट आप एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग एडजस्टेबल, तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक आप स्टीयरिंग को यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। स्टीयरिंग जब आप देखते हैं, तो स्टीयरिंग अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है, ये कंप्लीट लेदर रैप्ड स्टीयरिंग आपको मिल रहा है, और ये अंदर थोड़ा डिफरेंट फिनिश दिया गया है। इधर की तरफ जब आप देखते हैं, तो ये आपको क्रूज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लिमिटर के कंट्रोल मिल जाएंगे, इधर की तरफ आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, सामने MID के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, तो काफ़ी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही स्टीयरिंग को भी कस्टमाइज़ कराना चाहें, तो इसको भी आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं। इधर की तरफ आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और दूसरी तरफ आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं। अब बात करते हैं सामने की तरफ इस
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो जब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप यहाँ पे देखते हैं तो 12.3 इंचेस का आप फुल एचडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। अगेन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर ये शो करेगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज़ कराना चाहें, जिनके अंदर आपको ये जो मीटर्स हैं ये एनालॉग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये भी आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं कार के सेंट्रल कंसोल के बारे में। सामने की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिखाई देगा। 11.4 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है। पीवी प्रो आपको यहाँ पे मिलेगा और काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ आपको बताने के मैक्सिमम। नेविगेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद अकाउंट, सीट्स की सेटिंग, क्लाइमेट का कैमरा आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैमरा का व्यू आप देखना चाहते हैं 3D व्यू, वो आप देख सकते हैं। और कैमरा की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे रखी गई है, ऑन रोड ऑफ रोड, तो उस हिसाब से आपको ये यहाँ पे शो करेगा। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वो सब मिल रहा है, वेले मोड आपको मिल रहा है, इकोनॉमी डाटा कि किस तरह से आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैक्शन लॉन्च के आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप स्नो वगैरह में ट्रैक्शन ऑन ऑफ आप करना चाह रहे हैं, एक्टिवेट स्टार्ट लो ट्रैक्शन लॉन्च, तो ये अपने हिसाब से आप ट्रैक्शन को यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो मैंने साइड स्टेप्स आपको दिखाए उनको यहाँ से आप बंद करना चाहें तो अंदर की तरफ से बंद कर सकते हैं। रूफ एक्सेस के लिए आप उनको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद व्हीकल डायमेंशंस आपको ये यहाँ पे शो करेगा, पूरी गाड़ी के आपको डायमेंशंस आपको ये यहाँ पे दिखा देगा। आप इसको मीटर्स के अंदर या फीट्स के अंदर जैसे भी देखना चाहें आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में वॉइस कंट्रोल्स, आपको फ़ोन कंट्रोल्स, मीडिया कंट्रोल्स, ये सारे आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगेन इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। और उसके बाद आपको कुछ है कि ये स्लोप असिस्टेंस के फीचर आपको यहाँ पे मिलते हैं। एल्टीट्यूड वगैरह आपको ये शो करेगा, हर चीज़ आपको ये सामने की तरफ दिखाएगा। वेट सेंसिंग जो मैं आपको बता रहा था, ये वेट सेंसिंग आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे आप हाइट एडजस्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये जो वेट सेंसिंग है ये भी इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से होती रहेगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी से रिलेटेड आपको ये सामने की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शो करता है। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये 2-zone AC यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगेन फिट एंड फिनिश वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। 2-zone AC आपको मिल रहा है, इनके अंदर ही आपको डिस्प्ले यहाँ पे दिखाई देगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इधर की तरफ ये जो कंप्लीट कंट्रोल्स हैं ये AC के कंट्रोल्स हैं, और इधर की तरफ आपको जो कंट्रोल्स मिलेंगे ये व्हीकल के कंट्रोल्स हैं कि आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, आइडियल स्टॉप स्टॉप, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सब आपको मिलेगा। यहाँ पे गियर लीवर आपको यहाँ पे मिलेगा, और इसको यहाँ पे देने का रीज़न बेसिकली ये कि आप यहाँ पे एक फ्रंट में एक जंप सीट ऑप्ट कर सकते हैं, तो उसमें एक सीट यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी, इस वजह से इसको यहाँ पे रखा गया है। ये काफ़ी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। 6-seater हो जाएगी, और 5+2-seater लेना चाहें जिसमें थर्ड रो आपको मिलेगा तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इधर की तरफ इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो एक सी टाइप पोर्ट आपको मिलेगा, साथ में USB-A टाइप मिलेगा, और इधर की तरफ भैया एक 12-volt चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ये काफ़ी सारा स्पेस है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। उसके बाद आपको कुछ स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। ये सारा जो है ये एंटी स्लिपरी आप इसको बोल सकते हैं कि कुछ भी आप रखेंगे वो स्लिप नहीं करेगा यहाँ पे, और सारा ये वॉशेबल है। इसको जब ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ आपको 2 कप होल्डर्स या छोटे बोतल आप रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। उसके बाद जब आप देखते हैं, मैं एक बार इसको ओपन कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, तो ये भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। आप इसको कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ आप करा पाएंगे। यहाँ से वायरलेस चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है फ़ोन की। उसके बाद जब यहाँ पे आप देखते हैं तो ये भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। अभी यहाँ पे फ्रीज़र आपको ये मिल रहा है, यहाँ से 2 level पे आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी जैसे 2 level पे है, 1 level पे, और इसको आप बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। तो अगर इसको नॉर्मल आप लेना चाहते हैं तो नॉर्मल भी ले सकते हैं। अगेन इसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और एक इस आर्मरेस्ट का एक और आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं पीछे की तरफ भी फोल्ड कर सकता हूँ, इस तरह से ये पीछे की तरफ फोल्ड हो जाता है, तो रियर जो पैसेंजर हैं वो भी इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और अंदर भी जो ये क्वालिटी आपको दी गई है मटेरियल की, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हर जगह वॉशेबल मटेरियल यूज़ किया गया है। जब इसको बंद कर देते हैं उसके बाद आर्मरेस्ट जो है वो काफ़ी वाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सामने की तरफ इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड जब आप देखते हैं अगेन रगेड फील आपको हर जगह देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये ग्रैब रेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है कंप्लीट, तो इसको आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। अगेन अंदर की तरफ ये डिफेंडर लिखा आपको मिलेगा, और यहाँ पे कुछ भी आप रखना चाहें तो आप रख पाएंगे। उसके बाद एक सी टाइप
चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो मोबाइल वगैरह आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और ये जो कंप्लीट मटेरियल है ये सॉफ्ट टच है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी यहाँ पे रखी गई है। लोकेबल आपको ग्लो बॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर आप स्टोरेज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी ऐसे विड्थ काफ़ी अच्छी है, वैसे वाइड इसको नहीं रखा गया लेकिन ऐसे ये काफ़ी कुछ इसमें आप रख सकते हैं यहाँ पे। और आप थोड़ा ऊपर की तरफ देख लेते हैं। सो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो को ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन और ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप जब यहाँ पे IRVM देखते हैं तो ये फ्रेमलेस आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलेगा। उसके बाद जो रियर में मैंने आपको कैमरा दिखाया था, तो इसको जैसे ही आप ऊपर की तरफ करते हैं, अगर कोई इस तरह का है कि पीछे से कोई रियर में बैठा है जिसकी वजह से आपका व्यू जो है वो ब्लॉक हो रहा है, तो रियर जो ऊपर की तरफ कैमरा लगा हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इसको आप अपने हिसाब से इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करना चाहें वो आप कर पाएंगे। और उसके बाद इसकी हाइट, अगर इसको ऊपर नीचे जैसे भी आपको ये लगे कि आपके अकॉर्डिंग ये बेस्ट यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से प्रॉपरली एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे यहाँ पे लगा। और जैसे ही नीचे की तरफ कर देंगे तो रेगुलर ये IRVM की तरह यहाँ पे काम करने लग जाएगा। ऊपर की तरफ आपको ये लाइट्स मिलेंगी, टच सेंसिटिव लाइट्स आपको मिलती हैं, टच करते ही ऑन ऑफ आप इनको कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉल और इधर ब्रेक डाउन कॉल आपको मिलेगा। फिर दो कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, एक आपको ऊपर की तरफ जो ये सनरूफ मिलती है उसकी, उसको स्लाइड कर पाएंगे और इसको ओपन आप कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ओपनिंग कितनी है। सो इसको जैसे आप ओपन करते हैं तो ये इतना ओपन होती है, हालांकि थोड़ा अगर और ज़्यादा ओपन होती तो काफ़ी और अच्छा ये हो सकता था, लेकिन फिर भी नॉर्मल क्या रहता है, आप इसको बंद करके ही आप व्यू का यहाँ पे मज़ा लेते हैं। तो ओवरऑल जो इसकी सनरूफ है उसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रखा गया है। सो दोस्तों ये थे इंटीरियर्स, अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में, तो आइए चलते हैं। सो अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सेफ्टी फीचर्स में इस गाड़ी को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, वो आप किसी भी एजेंसी से आप लगा लो, हर जगह 5-स्टार रेटिंग मिली है। और सेफ्टी की क्या ही बात करूँ मैं इस गाड़ी की, जिसकी खुद की जो टोइंग कैपेसिटी है वो 3500 kg है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी टफ ये गाड़ी है। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कुछ एक फीचर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 6 एयरबैग्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल रही है, फ्रंट में सेंसर्स, रिवर्स में सेंसर्स, उसके अलावा आपको ATPC मिल जाता है, ऑल टेरेन प्रोग्राम कंट्रोल मिल जाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, उसके साथ ESP फंक्शनैलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, वेट सेंसिंग, तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर कोई और भी आपके माइंड में कोई सेफ्टी फीचर आ रहा है तो वो भी इस गाड़ी के अंदर है, तो सारे सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब बात करते हैं इंजन की, तो यहाँ पे आपको 2 पेट्रोल इंजन मिलेंगे, एक आपको मिलेगा 2.0 लीटर जो अभी इस गाड़ी के अंदर है, एक आपको मिलेगा 3.0 लीटर पेट्रोल इंजन और एक आपको मिलेगा 3.0 लीटर डीजल इंजन। सो ये जो इंजन अभी यहाँ पे है इसकी बात कर लेते हैं। 2.0 लीटर्स का आपको इंजन मिलता है जो पावर जनरेट करता है 300 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 400 Nm का। यहाँ पे 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको ये देखने को मिल जाएगा, ऑल व्हील ड्राइव आपको ये गाड़ी मिलती है। और इस गाड़ी का जो 0 to 100 है वो 7.4 सेकंड है, तो भाई आप खुद देख सकते हैं कि कितनी पिकअप पावर आपको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे मिलती है। अब बात करते हैं कार के प्राइस की, तो जो डिफेंडर है स्टैंडर्ड फीचर के साथ उसका जो प्राइस है 95,68,000 उसका प्राइस है। उसके बाद जैसे जैसे आप गाड़ी को कन्फिगर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लोडिंग चार्जेस यहाँ पे ऐड ऑन होते जाएंगे, तो जो प्राइस है शोरूम प्राइस वो आपका उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी करता है। सो दोस्तों ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस लैंड रोवर डिफेंडर के ऊपर। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए कोई भी JLR की कार, तो जो शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट डिटेल लेके यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।